हेलो टीरस, प्रीवियस डे गोल्ड ने 1 आवर के टाइम फ्रेम पे टॉप पर एक लिक्विडिटी क्रिएट किया था। जैसे कि हमने प्रीवियस डे डिस्कस किया था, यहाँ पे दोस्तों मार्केट ने लिक्विडिटी ग्रैब किया। यहाँ पे मैंने आपके साथ डिस्कस भी किया था कि मार्केट ने प्रीवियस लो को ब्रेक डाउन कर दिया है। हमारा व्यू था अब मार्केट यहाँ से एक डाउन साइड का मोमेंटम दिखा सकता है और फाइनली कुछ इस तरीके से ही मार्केट ने यहाँ पे ट्रेड किया है। अब ये लिक्विडिटी क्या होता है, इम्बैलेंस क्या होता है, ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, जो हमारे स्टूडेंट हैं उनको तो अच्छे से समझ में आ रही होगी चीजें, लेकिन जो ने पहले कभी नाम नहीं सुना हो उनको वो थोड़ा कंफ्यूज हो रहा होगा। दोस्तों मार्केट जब भी टॉप एंड बॉटम पे लिक्विडिटी क्रिएट करता है तो मार्केट एक डाउन साइड का मोमेंटम दिखाता है, फिर ऑर्डर ब्लॉक या इम्बैलेंस को मिटिगेट करने के लिए आता है, इसके बाद यहां से एक डाउन साइड का मोमेंटम दिखाता है। ठीक है, अगर आप भी इसके बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे कोर्स में डिटेल में सिखाया है किस तरीके से मार्केट ऑर्डर ब्लॉक, इम्बैलेंस, लिक्विडिटी को रिस्पेक्ट करता है। इसके बाद यहां से हमें कंफर्मेशन कैसे लेना था दोस्तों, कंफर्मेशन के लिए सिंपल हमने 15 मिनट के टाइम फ्रेम में एक पैटर्न को मार गया था। कौन सा पैटर्न था सर? एक ट्रायंगल पैटर्न, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए सबसे पहले तो ये सपोर्ट को हमने मार किया, यहां से इसी जोन को आगे के लिए एक्सटेंड कर दिया था। आप देख पाएंगे ये एक सपोर्ट जोन है, सपोर्ट एरिया है। प्रीवियस टाइम मार्केट ने इस लेवल को देखो यहाँ पे सपोर्ट लिया था, सपोर्ट लिया था, सपोर्ट लिया था, सपोर्ट लिया था। जब मार्केट सपोर्ट लेने के बाद बुलिशनेस शो कर रहा था उस टाइम एक ट्रेंड लाइन को भी हमने मार किया था एज ए कंफर्मेशन। ये प्रीवियस डे का एनालाइज आपको दिखा रहा हूँ, आज क्या सेटअप बन सकता है वो भी हम डिटेल में समझेंगे, लेकिन आप प्रीवियस डे का थोड़ा समझ लीजिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि जितना सिंपल हमारा एनालाइज होता ना उतना ही अच्छे से मार्केट रिस्पेक्ट करता है। जैसा कि देखिएगा ट्रेंड लाइन को यहाँ पे हमने मार किया, यहाँ पे हमें एक ट्रायंगल पैटर्न देखने को मिल रहा था। अब ध्यान से देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा व्यू था कि हमें न्यूट्रल बैठना है। अगर यहाँ पे मार्केट इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक आउट करता है और रिटेस्ट करने आता है तभी यहाँ से हमें बाइंग की तरफ देखना चाहिए। ठीक है, सेकंड था हमारा टॉप पर लिक्विडिटी मार्केट ने क्रिएट किया है, लेकिन अभी ये सपोर्ट जोन रोक के रखा है, ये सपोर्ट मार्केट को डाउन जाने से रोक के रखा है, तो ये सपोर्ट को ब्रेक डाउन करने के लिए इंतजार करें। मैं चार्ट को थोड़ा यहाँ से जूम कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। हमारा व्यू क्या था, ये सपोर्ट मार्केट को अभी रोक के रखा है तो ये सपोर्ट को टूटने दें, ब्रेक डाउन होने दें, ब्रेक डाउन के बाद रिटेस्ट करने दें, इसके बाद यहां से एक डाउन साइड का मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। और कुछ इस तरीके से ही मार्केट ने यहां पे प्रीवियस डे ट्रेड किया था। अब यहां पे हमारा टारगेट क्या था, कितना मार्केट डाउनफॉल कर सकता है, तो इसके लिए एक सपोर्ट भी हमने मार किया था। कौन सा था सर सपोर्ट एरिया? प्रीवियस डे का पूरा एनालिसिस वीडियो देखा है तो आपको याद होगा ये सपोर्ट जोन हमने मार किया था। और आप देख पाएंगे मार्केट ने जैसे ही सपोर्ट को ब्रेक डाउन किया, रिटेस्ट किया, मार्केट ने देखो सपोर्ट लेवल को जो हमने टारगेट दिया उसी को रिस्पेक्ट किया और यहीं से मार्केट बुलिशनेस शो करना स्टार्ट कर दिया। मैंने आपके साथ टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर किया था, जैसे कि आप देख पाएंगे ये ट्रायंगल पैटर्न यहाँ पे बन रहा था। इसके बाद यहाँ पे फर्स्ट यहाँ पे टारगेट क्या होने वाला था वो भी मैंने आपके साथ टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिया था। आई होप ट्रेडर्स आपने भी इस तरीके से प्रीवियस डे एनालाइज किया होगा। आज देखते हैं दोस्तों आज गोल्ड में क्या सेटअप बन सकता है और किस तरीके से आज हमें एनालाइज करना चाहिए। तो प्रीवियस सभी ड्रॉइंग को यहाँ से हम रिमूव कर देंगे और देखेंगे 1 आवर के टाइम फ्रेम में किस तरीके का सेटअप बन सकता है एंड 15 मिनट के टाइम फ्रेम में किस तरीके से हमें कंफर्मेशन लेना चाहिए। तो दोस्तों 1 आवर के टाइम फ्रेम में अगर देखते हैं तो ये एक फिर से सपोर्ट एरिया हमें मार करना होगा जो प्रीवियस डे हमने मार किया था टारगेट के लिए। ये आज सपोर्ट की तरह यहां पे काम करेगा, ये एक स्ट्रांग सपोर्ट है क्योंकि प्रीवियस टाइम देखो आप मार्केट ने इसके अंदर काफी टाइम स्पेंड किया है। इसके बाद देखो फिर से मार्केट ने यहां पे सपोर्ट लिया तो ये अभी एक स्ट्रांग सपोर्ट जोन हो जाता है। ठीक है, अब यहां से सपोर्ट लेने के बाद मार्केट यहां से बुलिशनेस भी शो कर रहा है तो क्या अब यहां से एक अपसाइड का मोमेंटम दिखाएगा या इस सपोर्ट को ब्रेक डाउन करके एक डाउनसाइड का मोमेंटम दिखा सकता है? कैसे आइडेंटिफाई करना है, किस तरीके से कंफर्मेशन लेना है, इसके लिए अब चलेंगे हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो अगर आपको पसंद आती है, वीडियो से आपको थोड़ा भी कुछ लर्निंग को मिलता है, सीखने को मिलता है, तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप भी मेरी तरह सिंपल एनालाइज करना सीखना चाहते हैं। तो अभी देखो दोस्तों 15 मिनट के टाइम फ्रेम में किस तरीके का सेटअप यहाँ पे बन सकता है और किस तरीके से हमें कंफर्मेशन लेना चाहिए। तो सिंपल, सबसे पहले हम एक
ट्रेंड लाइन को मार करेंगे। देखो ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे हमने मार कर ली, सिंपल सा दोस्तों एनालाइज कर रहे हैं। देखिएगा यहाँ पे मल्टीपल टाइम ट्रेंड लाइन को रेसिस्टेंस लिया गया है, तो अभी भी हो सकता है मार्केट रेसिस्टेंस लेने के लिए आए ट्रेंड लाइन को। लेकिन ट्रेंड लाइन के साथ में दोस्तों अगर यहाँ पे हम देखें एक चैनल मार करके, तो आपको देखने को मिलेगा मार्केट एक परफेक्ट चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, आप देख पाएंगे मार्केट एकदम पैरेलल चैनल को रिस्पेक्ट कर रहा है, पैरेलल चैनल के अंदर ही मार्केट ट्रेड कर रहा है। मल्टीपल टाइम यहाँ पे चैनल को मार्केट सपोर्ट ले रहा है, रेसिस्टेंस ले रहा है, पैरेलल चैनल का जो मिडिल लाइन है, मिडिल लाइन को भी देखो सपोर्ट ले रहा है, रिस्पेक्ट कर रहा है। अगेन देखो पैरेलल चैनल मिडिल लाइन को सपोर्ट लेने के बाद फिर से रेसिस्टेंस लिया, इसके बाद देखो रिजेक्शन कर दिया। कहां तक? जो पैरेलल चैनल का एक सपोर्ट लाइन है, सपोर्ट लाइन को सपोर्ट लिया, फिर से देखो पैरेलल चैनल का मिडिल लाइन को रिस्पेक्ट किया, फिर से सपोर्ट लिया, अगेन देखो यहां से रेसिस्टेंस लाइन के आसपास यहां पे ट्रेड करने के लिए अभी जा रहा है, जैसे कि आप देख पाएंगे। तो देखो यहाँ पे हमने एक पैरेलल चैनल को मार किया है दोस्तों। पैरेलल चैनल के साथ में हम क्या करेंगे ना, एक यहाँ पे रेसिस्टेंस एरिया भी मार करेंगे। कौन सा है सर रेसिस्टेंस, मैं आपको चार्ट में मार करके दिखाऊं ताकि आप अच्छे से समझ पाएंगे। ये है सर एक रेसिस्टेंस एरिया। ये रेसिस्टेंस हम क्यों मार कर रहे हैं, क्योंकि प्रीवियस टाइम देखो मार्केट ने इस लेवल को रेसिस्टेंस लिया, सर रिजेक्शन आया, रेसिस्टेंस लिया, रिजेक्शन आया, अगेन रेसिस्टेंस के बाद रिजेक्शन आया, फिर से मार्केट इस लेवल को रेसिस्टेंस ले सकता है, आगे के लिए एक्सटेंड कर लेंगे हम ये रेसिस्टेंस जोन। अब आपको अच्छे से समझ में आएगा, यहाँ पे ये पैरेलल चैनल का एक रेसिस्टेंस लाइन भी है, साथ में ये एक रेसिस्टेंस एरिया भी है, तो काफी स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस ये हो जाता है। अब यहाँ पे अगर मार्केट को रिजेक्शन करना है सर, तो यहीं से ही रिजेक्शन करना होगा, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन यहाँ पे ध्यान देना है, अगर इस लेवल को ब्रेकआउट करता है, ध्यान से समझिए ट्रेडर्स, अगर ये रेसिस्टेंस को ब्रेकआउट करता है और रिटेस्ट करने आता है, तो फिर एक अपसाइड का मोमेंटम भी यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है। कहाँ तक अपसाइड का मोमेंटम आ सकता है, तो इसके लिए ये वाला एक है रेसिस्टेंस एरिया, लेवल है 2655 एंड 2660 के आसपास, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना होगा, जैसा कि हमने डिस्कस किया, ब्रेकआउट होना चाहिए, रीटेस्ट करने आना चाहिए, इसके बाद मार्केट यहां से अगर बुलिशनेस शो करता है, तो ये रेसिस्टेंस के आसपास भी मार्केट आ सकता है, ठीक है। चलो ये तो हो गया दोस्तों फर्स्ट व्यू। सेकंड व्यू भी यहाँ पे समझना जरूरी है। सेकंड व्यू समझना जरूरी क्यों है, देखो मार्केट एक डाउन ट्रेंड में है, मार्केट लोअर लो लगा रहा है, लोअर हाई लोअर लो, मार्केट लोअर लो लगाने के बाद एक लोअर हाई यहाँ पे लगाने के लिए आ सकता है, राइट। लोअर हाई लगाने के बाद अगर मार्केट यहाँ से एक बेरिश पैटर्न बनाता है, रिजेक्शन करता है, तो फिर यहाँ से एक डाउन साइड का मोमेंटम भी तो आ सकता है। तो हमें ध्यान रखना है, अगर इसका रेसिस्टेंस लिया मार्केट और यहीं से मार्केट ने एक कोई बेरिश पैटर्न बनाया, रिजेक्शन किया, एक डाउन साइड का मोमेंटम भी आ सकता है। कहां तक आ सकता है सर, यहां पे जैसा कि हमने 1 आवर के टाइम फ्रेम पे एक सपोर्ट जोन मार किया था, यहां पे ये पैरेलल चैनल का सपोर्ट लाइन भी निकल के आ रहा है, तो ये जो एरिया है 2620 के आसपास फिर से मार्केट सपोर्ट लेने के लिए आ सकता है। इस तरीके से दोस्तों आज के दिन हम XAU/USD यानी गोल्ड में एक सिंपल इजी टेक्निकल एनालाइज कर सकते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम एंड 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आया होगा, आपको थोड़ा कुछ लर्निंग को मिला होगा किस तरीके से हमें आज के दिन गोल्ड में एक सिंपल इजी टेक्निकल एनालाइज करना चाहिए। वीडियो अगर आपको पसंद आई, एनालाइज पसंद आया, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल बने सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को हिट करना ना भूलें। आज के दिन यहां पे जो हमने एनालाइज किया है दोस्तों, इस इमेज को मैं अभी आपके साथ टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर कर दूंगा, ताकि आप भी इस इमेज को देखकर अपना खुद से सपोर्ट रेसिस्टेंस मार कर पाए। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, तो बहुत कुछ मिस कर रहे हो। वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, जो कि एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहां पे आप देखेंगे केवट जी लर्निंग ग्रुप टेलीग्राम चैनल पर ये पोस्ट मैंने आपके साथ सपोर्ट रेसिस्टेंस का शेयर किया था। तो उम्मीद करता हूं टेलीग्राम चैनल को आपने ज्वाइन कर लिया होगा। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, तो कर लीजिए, वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और हां, दो टेलीग्राम चैनल है, एक केवट जी लर्निंग ग्रुप और दूसरा है टेक्निकल केवट जी, ठीक है। दोनों ही टेलीग्राम चैनल एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, हम किसी भी प्रकार का कोई चार्जेस नहीं लेते हैं, ना ही कॉल टिप्स सर्विस प्रोवाइड करते हैं और ना ही किसी का अकाउंट मैनेज करते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं दोस्तों फिर एक और नई ऐसी ही एनालिसिस वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।